पूर्व मंत्री जीएस बाली ने टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। बाली ने कहा कि टांडा से डॉक्टर्स को डेपुटेशन पर चंबा, हमीरपुर और भरमौर भेजा जा रहा है। आलम ये है कि टांडा का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बंद हो गया है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में जीएस बाली ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत जिन्होंने कार्ड बनाए हैं उन्हें भी कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आए दिन लोग ऐसी शिकायतें लेकर उनके पास आ रहे हैं। बाली ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज आधे हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जबकि वर्तमान में टांडा में स्टाफ, फंड और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। बाली ने कहा कि पूर्व सरकार के समय आईजीएमसी और टीएमसी को अलग अलग कैडर बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बाली ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार सपनों में है और खुद को ही शाबाशी दिए जा रही है। बाली ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार को दिल्ली से सबक लेना चाहिए। स्कूल खोलने को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई सर्वे नहीं करवाया है। जैसे दिल्ली में मामले बढ़े हैं और अब दिल्ली सरकार स्कूलों को लेकर फिर से विचार कर रही है। बाली ने कहा कि वर्तमान सरकार एक भी नया प्रोजेक्ट कांगड़ा के लिए नहीं ला पाई है और सीयू का काम भी आगे नहीं बढ़ा है। बाली ने कहा कि बेरोजगारों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा ही, लेकिन इसके लिए बेरोजगारों को भी आगे आना होगा। मुद्दा यह है कि गरीब आदमी को हेल्थ सर्विसेज जो है कांगड़ा, मंडी, चंबा, मीरपुर, ऊना, जिनको टाटा मेडिकल कॉलेज फीड करता था, उनको पूरी हेल्थ सर्विसेज आज के दिन में मिल नहीं रही। और अगर छोटे से छोटे काम के लिए भी बेचारे आकर के हम लोगों के पास घूमते हैं, नेताओं के पास, कि भाई टेलीफोन करो हॉस्पिटल में, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। उनको आम नागरिक की तरह हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि हेल्प सेंटर वहाँ बनाए, ताकि लोगों को दिखाएं कि भाई ये नहीं हो सकता तो ये दूसरा विकल्प आपके लिए है। आज के दिन में ना उनका बेचारों का कार्ड चल रहा है, ना उनको सुपर स्पेशलाइज सर्विसेज मिल रही है, ना हार्ट की मिल रही है, ना नेप्रो की मिल रही है, ना न्यूरो मिल रही है। तो लोग वहाँ परेशान होकर के हम लोगों के पास आते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि उनको, गरीब आदमियों को पूरी सर्विसेज यहाँ दें, क्योंकि आज के दिन में ना पीजीआई ना कोई और हॉस्पिटल बाहर के पेशेंट्स को ले रहा है, तो ये बड़ा एक दिक्कत और एक समाज में एक अस्थिरता आने वाली बात जो है वो चल रही है। गवर्नमेंट को व्यवस्था बनाना चाहिए उसके लिए, यही तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट व्यवस्था बनाए। अगर आपने आज दिखाना है तो एक अलग से सेंटर होना चाहिए इमरजेंसी वालों के लिए, कि उनको चेक करके कम से कम पेशेंट को भेज दे और अपने असिस्टेंट्स रखें जो कि सरकारी तौर पर उनको असिस्ट कर करके वार्ड में या डॉक्टर के पास पहुंचा दे, तो फिर पेरेंट्स को या अटेंडेंट को उनकी वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल। तो ये व्यवस्था तो लोकल मैनेजमेंट जो उनको बनानी है, लोकल जो लीडरशिप उन्होंने तैयार करनी है, तो आज के दिन में इनको तैयार करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए।